Hafızsın! Hafızsın! Burada var! Hafızsın! Burada var! 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 Pakistan! Burada var! Pakistan! Burada var! ने किया कल जो हमारे वीर जवानों को उन्होंने बर्बरता पूर्वक एक आईडी ब्लास्ट किया जो 200 किलो का आईडी ब्लास्ट था और उसमें हमारे 44 जवान जो है वो शहीद हो गए और आज हम पूरे बुकला साहिबान और कठुआ के शहरी लोग मिलके आज हम पाकिस्तान का पुतला जला रहे हैं और यहाँ पे हम एक चेतावनी देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि आज हम पूरे भारतवासी एक हैं। ये न सोचे कि पाकिस्तान की हमारी प्रभुता के ऊपर हमारी अखंडता के ऊपर प्रहार करना वो कारण अपराध है उसका और उसका वो अंजाम भुगतेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारे नौजवान भारतवासी क्या चाहते हैं। हम लोग एक ही चाहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। आज हमारे शहीद हो रहे हैं कश्मीर के लोगों को और जहाँ पे वीडियो निकाली जाती है कश्मीर में जो वीडियो निकाली जाती है जैसे मोहम्मद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, ये क्या मतलब हुआ। मैं कहना चाहता हूँ भारत सरकार से जो पाकिस्तान का झंडा उठाता है कोई कड़ी निंदा नहीं, वो भड़के हुए नौजवान नहीं है, उनको गोली चाहिए गोली। आज यहाँ पर हमारी बार एसोसिएशन और हमारे कुछ शहरी और युवा सारे मिलके आज हमने यहाँ पर ये पुतला जलाया है। ये संदेश हम आज के दिन ये देना चाहते हैं कि सबसे पहले कल जो वहाँ पर अवंतीपुरा में जो हमला किया गया हम सारे इसकी निंदा करते हैं। ये गलत काम है, ये भारत की एकता और अखंडता के ऊपर सीधा प्रहार है और हमारी जो शासन व्यवस्था है ये उसको सीधा चुनौती है। हम यहाँ पर एक नागरिक होने के नाते ये मांग करते हैं सरकार के द्वारा कि ये जुमलेबाजी अब और नहीं चलनी चाहिए, प्रैक्टिकल दिखाना है। और इस ये जो चुनौती दी है आतंकवादियों ने हमारे भारत को, इसका जवाब जो है हम भारत की जनता सरकार से मांगती है कि इसका कड़ा जवाब दे। और दूसरा, यह जो जम्मू में और कश्मीर में या सोशल मीडिया में ये जो लोग आतंकवादियों के सपोर्टर जो उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं वो हमारी भावनाओं को भड़का रहे हैं, हम तो आहत हैं और वो उसमें घी का डालने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे शरारती तत्वों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी नीति बनाए, देश विरोधी तत्व हैं खासकर हमारे जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर, उनको सख्ती से निपटा जाए। और दूसरा, हमारा जो सूचना तंत्र है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। ये हमारी एजेंसीज किस लिए हैं, ये रॉ एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ है, ये इतना पैसा इन लोगों को दिया जाता है ग्राउंड पर खर्चने के लिए कि इंटेलिजेंस इनपुट लें, लेकिन अफसोस की बात है पूरे हमारी बार एसोसिएशंस, कठुआ की बार एसोसिएशन और हमारी सिविल सोसाइटी, हम सारे लोग कश्मीर में अवंतीपुरा में जो कल जैश ए मोहम्मद ने एक घिनौना काम किया है, एक कायरतापूर्ण उन्होंने उदाहरण दिया है और जो उन्होंने हमारे 42 सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया है, हम उसके खिलाफ, हम भारतीयों के अंदर, हम आम नागरिकों के अंदर एक रोष है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ और ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। Bye.